Good morning. Good evening. Good evening, all of you. Good evening, all of you. Good evening, sir. No. Okay. 8 minutes. Okay. So yesterday, last time, I was doing this problem, find the work done in taking a particle from this to this, a force vector was given. This I have taken as point A, this I have taken as point B. That means we have taken from point A to point B. That means I want to work out R bar, which is nothing but equal to AB bar. AB bar is nothing but B bar minus A bar. B bar is what to coordinate then of just ij ke likh do 3i cap minus j cap plus 2k cap isko subtract karne so what is 3i minus 4i minus i cap minus j minus 2j minus 3j cap plus 2 minus or minus plus 5k ye aa gaya hamara वेक्टर जो कि स्पेस पे वेक्टर एंड व्हाट इज वर्क का फॉर्मूला टेल मी वर्क का फॉर्मूला क्या है डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हिच टू क्वांटिटीज एफ बार इनटू एस बार दैट इज राइट एफ बार डॉट इनटू नहीं बोलने का एफ बार डॉट आर बार डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फोर्स वेक्टर ये रहा आपके सामने 4 i कैप minus 3j cap plus 2k cap dot minus i cap minus 3j cap plus 5k cap ये किसने सॉल्व कर रहा है तो मुझे याद ही नहीं है कैसे मल्टीप्लाई करने का मुझे ये बताएगा रोशनी रोशनी हाउ टू मल्टीप्लाई दिस टू रोशनी रोशनी बोलो क्या क्या करो step what into what 4 into whole of minus whole x 4 into whole of minus so whole of minus 4, yeah? 4 into 4 into 4 into bracket minus I cap minus 3j cap प्लस 5k कैप ओके इसके बाद दैट्स द आंसर माइनस 3j कैप दैट्स अ वेरी पुअर आंसर यू आर गिविंग वेरी बैड आई वुड लाइक टू आस्क रोशनी इन मुर्तजा व्हाट डू यू थिंक मुर्तजा Yes, sir. What is the answer of this? How to multiply these two? Dot product of these two. What she said is right. Murtaja. Okay, Maj. Maj Hussain. Sir. Maj Hussain. Four into. Hey Bhagwan, what do I do? A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap dot B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap. So formula is A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. So yahan pe 4 into minus 1. Ye main sikha ke thak gaya hoon. A1 B1 and A1 is 4, B1 is minus 1 plus A2, B2. अब तो बताओ रोशनी अब बताओ प्लस ये नहीं देखा ये पहली बार कर रहा हूं ना ये सब -3 -3 नहीं लेकिन क्यों नहीं आया ये क्या चल रहा है मतलब क्लास में आई डोंट अंडरस्टैंड मुर्तजा आगे क्या
Sir, 2 into 5. Very good, yaar. बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग. Solid answer दिया है. Very good. बहुत best. -4 + 9 + 10. 19 में से 4 किया 15. 15 joules. मेरे को समझ में नहीं था कैसे सिखाऊं मैं ये दो मल्टीप्लाई करने के लिए. समझ में नहीं आ रहा था मैंने ये सब करे बोला था. तो हर टाइम यू वांट मी टू डू दिस, एवरी टाइम ऑल ऑफ यू वांट मी टू डू दिस. अरे मुझे जरा बताओ भार्गेश, एवरी टाइम यू वांट मी टू डू दिस एंड देन ओनली यू विल गेट दिस आंसर. नो सर, सर वी कैन डू द फॉर्मूला आई वांट टू डू. अभी मैं 10 प्रॉब्लम यही कर रहा हूँ खाली. ए बार डॉट बी बार. क्या पता, मुझे रोशनी बोली थी लास्ट टाइम क्लास में आई थी तो मेरे को तो समझ में आ गया था, पर आज मेरे को क्या आंसर दे रहे थे. आई एम रियली सरप्राइज्ड. अभी अगले 5 प्रॉब्लम यही करूंगा मैं. कॉपी कर लिया कि आगे आगे बढ़ेगी. एक होमवर्क लिख लो. 2 - 5 - 5 = 5 - 8 - 6 मीटर बाय अ फोर्स एफ बार इक्वल टू 6i cap + 3j cap - 15k cap. चलो ये होमवर्क करना. खाली ये दो चाहिए, दो बदले पॉइंट. विधि यू अंडरस्टूड दिस और यू आर आल्सो नॉट नोइंग. विधि यू केम टू नो फॉर द फर्स्ट टाइम हाउ टू डू दिस. विधि पहले से नहीं आता था ना लेकिन. यस आई मिस दैट लेक्चर. अच्छा मिस दैट लेक्चर. अफीफ, अफीफ. Yes, sir. I knew it. I think, sir, I think they got confused between the derivation. If you derive it, it was like that only. So I think they got. I am doing a problem. Problem and derivation. थोड़ी clear है. Sir, I understood, sir. So I think they got confused due to that. अरे जीतू, जीतू ने बोलना ही बंद कर दिया. क्या हो गया उसको? जीतू, यस सर. ये समझा? हाँ सर. चलो 4-5 प्रॉब्लम यही करते हैं. देखता हूँ तुम लोग को आया कि फिर बाद में 2 दिन बाद वापस मेरे को डेरिवेशन चालू करा देंगे कि सर ये ऐसे तो भूल करे याद ही नहीं. चलो करो. चलो फाइंड द डॉट प्रोडक्ट. नंबर 1 ए बार इक्वल टू 3i cap - j cap + 6k cap. बी बार इक्वल टू 6i cap + j cap - 5k cap. सी बार इक्वल टू 2i cap - j cap + 15k cap. डी बार इक्वल टू i - j + k. Find a bar dot b bar, b bar dot c bar, c bar dot d bar, a bar dot d bar, then c bar dot a bar. चलो करते रहो. मैं एक एक करके बताऊं. एवरी टाइम यू वांट मी टू राइट a1i + a2j + a3k ऐसा करूं और फिर मल्टीप्लाई करके दिखाऊं कि अभी भी नहीं आया समझ में. वो सर समझ में आ गया. मतलब इतना एफर्ट जी जान निकाल लेते हो आदमी की तुम लोग इतना इजी चीजों में. लेट मी आस्क कुनन कुरेशी, ए बार डॉट बी बार क्या करूं बता. कुनन कुरेशी, कुनन कुरेशी, कुनन अनम्यूट. हाँ सर. बोल क्या इंटू ए बार डॉट बी बार कैसे निकालो ये दोनों का.
लास्ट टाइम एब्सेंट थी क्या? नहीं. तो फिर बता, आंसर बता. माज, ओ माज, माज ने भी बोलना बंद कर दिया. पहले माज फटाफट आया जाता था, बोलता था मेरे साथ. ओम मिस्त्री तो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है. 3 × 6+ 3 × 6+ -1 × 1 या प्लस प्लस 6 × -5 ओके. अभी मैं यही करूंगा, तो पूरे लेक्चर में यही कराता हूँ आज मैं. रोशनी, बी बार नोट, सी बार बोल. 6 × 2 या प्लस 1 × -1 हाँ प्लस -5 × 15 ओके फाइनली आया. अच्छा अभी रोशनी, ओ रोशनी. यस सर. समझ में आया? यस सर. तो क्या कर रही थी वो? इसको पूरा लो फिर मल्टीप्लाई करो फिर इसको पूरा मल्टीप्लाई करो, क्या पावर कर रही थी तुम? उष्णा, उष्णा को नहीं पूछूंगा मैं. अस्का, सी बार डॉट, डी बार बोल. अस्का, अरे अस्का, अस्का है कि नहीं है? अस्का मुर्तजा, सीबर डॉट डीबर. सर मैं बोलूं? सर 2 × 1 -1 × -1 हाँ 15 × 1 3 × 1 ± 1 × -1 + 6 × 1 Anybody who has doubt? Anybody who has doubt in this? Anyone who has doubt? No, sir. चलो फिर भी एक और कर देता हूँ, इतना ले रहा हूँ तो किसको पूछू, कोई बोल नहीं रहे. भर गए सर. सर मैं बोलू? हाँ जी, तो तुम बोलो. सर 2 × 3 या प्लस सर -1 × -1 या और सर 15 सर प्लस 15 × 6 प्लस और क्या प्लस? अरे आगे तो बोलो प्लस. So, प्लस क्या? सो जीतो सर. प्लस सर खत्म हो गया तो. ये कर लोगे कि ये भी करूं मैं? ये कर लोगे कि यू वांट मी टू डू? नहीं सर हम कर लेंगे. पता नहीं चल रहा है मेरे को तुम लोग क्या करते हो. इतना सिंपल सी बात मेरे को लास्ट टाइम तुम लोगों ने एच डी एच ए वाई बी वाई सब करना पड़ा, सब सिखाया, फिर बाद में आज वापस लफड़ा. अभी भी ये वापस करना पड़ेगा क्या नेक्स्ट टाइम कभी कि ये डायरेक्ट कर बताओगे मेरे को? आई रियली फेल्ट समथिंग रॉन्ग विथ यू और आई एम नॉट टीचिंग प्रॉपरली. मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है मालूम नहीं.
ये मैं सिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, जो भी लफड़ा है मुझे बताओ. यस आई अंडरस्टूड. तो क्यों ऐसा कर रहे हैं बच्चे लोग? इट वॉज रियली शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग. लास्ट टाइम मेरे को बोला फास्ट जाते हो अभी सर, वापस धीरे धीरे करो. तो मैंने धीरे धीरे करके बताया यही डॉट प्रोडक्ट. देन अगेन आज बोला नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है, वापस करो. और कुछ लोग तो आंसर ही नहीं देते हैं. बिटाओ कि एक बार और बता दूं ये. यौन वंश को रूलर मार के धीरे धीरे रूलर मार के माज. ओ माज, माज शेख मेरे ख्याल से वो ये खाली चालू करके भाग गया है. माज इज नॉट देयर, खाली प्रेजेंट ही दिखा रहा है यहाँ पे, बट ही इज एब्सेंट बेसिकली. सर हूँ मैं सर, प्रेजेंट हूँ. तो फिर बोल ना सर, मैं इतने लेक्चर एब्सेंट हूँ सर. अरे तो बोल ना, ये तो अभी देख के तो मालूम पड़ रहा है ना कि नहीं मालूम पड़ रहा है देख के भी? हाँ सर ये समझ गया. तो बोल ना, इतना बोल ना कि हाँ सर समझ गया मैं. Why you're keeping quiet? Sorry sir. It gives an impression that you have gone. The present ही दिखा के भाग गए तुम. When you don't speak like Om Mistry. Okay, इसके बाद 27 था, उसके बाद में I will do 37. हाँ ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है. खाली एक बात बताऊं, जनरल बात तो आपको समझ में आ जाएगा. ये डायग्राम ही बना. देखो ये सपोज F1, दिस इज एंगल थीटा. इसके बोले दो कंपोनेंट बताओ, दो कंपोनेंट से दो बच्चे, इसको हटाना और उसके बच्चों को लगाना है. तो सिंपल रूल क्या है मालूम है? जिस साइड थीटा है ना वो साइड कॉस कंपोनेंट थीटा से दूर साइन कंपोनेंट. तो ये एक्स कंपोनेंट होगा F1 cos थीटा और ये कंपोनेंट होगा F1 sin थीटा. एकदम सिंपल रूल, थीटा के बाजू में cos, थीटा से दूर sin. जैसे यही F1 होता लेकिन यहाँ पे थीटा होता, इसका cos कंपोनेंट क्या आएगा बताओ? cos y एक्सिस पे आएगा या x एक्सिस पे? y. जिस साइड थीटा, y पे, जिस साइड थीटा दिया ना वो साइड cos. तो दिस विल बी F1 cos theta और ये होगा F1 sin theta. अब जैसे यहां पे suppose this is velocity vector v and suppose this is theta, so there will be v cos theta v sin theta. किधर आएगा? cos theta पे x axis पे या y axis पे? x axis पे cos theta आएगा ऐसा. और यहां पे this will be v cos theta and this will be v sin theta. एकदम एरो ध्यान रखो, ये फोर को तो एरो उसके साथ में, इधर के एरो ऐसे. जैसे अभी ये वाला बताओ, this suppose acceleration vector है a, all right, and this is suppose 40 degrees. तो बताओ a cos 40 किधर, a sin 40 किधर? a cos 40 का आएगा cos x. I should write a sin 40 or a cos 40? X axis a cos 40 or a sin 40? Cos 40. How? क्यों? Cos 40 क्यों? So because the angle is 40 degrees. That is right. Angle is towards angle. A cos 40 and away from angle is a sin 40. These are called X and Y components. X and Y components. अभी एक खाली बता देता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग है वो. ये मिटाऊं इसको? इसको मिटाऊं? इसको मिटाऊं क्या? यस सर.
अच्छा ऐसे लिखो द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बहुत इजी क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज 20 मीटर पर सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विथ वर्टिकल. With vertical, find the horizontal and vertical components. Find the horizontal and vertical components. So, मैं थोड़ा आंसर इंटरेस्टिंग बना दूँ. We have four possibilities. देखो इट इज सेइंग इट हैज गॉट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द वर्टिकल. टेल मी इज दिस राइट और रॉन्ग. वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्रीज विद द वर्टिकल. इज दिस राइट और रॉन्ग? खाली हाँ या ना में बोलो. 20 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्रीज विद द वर्टिकल, ये वर्टिकल है. Yes, sir. Right or wrong? Sir, right. Similarly, देखो second possibility ये भी है ना, third possibility ये भी है ना, 20 meter per second, fourth possibility ये भी है. So you know, 30, 30, 30, and 30. Sorry, with the vertical, 30. Therefore, four possibility. Therefore, four possible answers. This will be Vx equal to 20 cos 30. Tell me, all of you agree? X component of that 20 cos 30. Is this right or wrong? So wrong. Wrong. Yeah, अच्छी बात है. ये this is what I like. Class में मेरे को wrong बोलोगे ना, सुनो. एक और बात मैं बिंदास बोलता हूँ. अगर मैं right कर रहा हूँ और आप बोलेंगे ना, नहीं sir, it appears to be wrong sir, it should be like this. मुझे वो student अच्छा लगेगा. मुझे तो ये तो है, कम से कम श्योर है कि ही इज इन द क्लास. पार्टिसिपेट, बिंदास बोलो, रॉन्ग तो रॉन्ग, राइट तो राइट. मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा आपको. आई वांट स्पीकिंग स्टूडेंट्स. दिस विल बी वी बाय इक्वल टू 20 कॉस 30 टुवर्ड्स एंगल कॉस. इसका कंपोनेंट क्या होगा? वी बाय इक्वल टू 20 कॉस 30, यहाँ पे 20 sin 30. This will be 20 sin 30 and this will be 20. Arrow bhulna nahi, arrow bhulna nahi. Arrow ye right mein, ye down. हो गया क्या? हो गया? मिटाओ इसको. सर एक मिनट, हाँ सर मिटा दूँ.
देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बताता हूँ, ये फोर्स इक्वल टू 100 न्यूटन, दिस इज 3, दिस इज 4, ऐसा एंगल दिया है, एंगल इस तरह से दिया, फाइंड द कंपोनेंट, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट. एंगल नहीं दिया इस बार, ऐसा दिया 3 वर्टिकल 4, मतलब ये 40 तो ये 30, ये वर्टिकल 6 तो ये हॉरिजॉन्टल 8, लाइक दैट. कैसे करेंगे एनीवन इन द क्लास? एंगल नहीं दिया, जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री दिया जाता है ना, यहाँ पे नहीं दिया, ये लोग 3 4 बोला है. Who can tell me that? Anybody who can say? Anybody who can say? Anyone who can give contribution in this answer? Chalo ek baar bata do. Can I call this as theta? So can I say even this will be theta, corresponding angle? Bolo bolo. Yes, sir. Can I say this will be F sin theta? F into? Cos. Cos theta. So cos. Oh yeah? Sin theta. F sin theta. Lekin problem ye theta nahi malum hai. Tan theta is 3 by 4. Itna malum hai. Ye 3, ye 4. Ye theta. Mujhe ek baat batao, idea. Anybody can pick up the idea now? Anybody who is smart enough, ये तीन चार तो ये कितना? ये कितना? Hypotenuse. ये तीन ये चार तो hypotenuse कितना? Pythagoras. Five. Cos theta कितना? Cos theta. What upon what? Adjacent upon hypotenuse. 4/5. And what about sin theta? 3/5. That's right. And therefore, what is fx? F cos theta. Yani 100 into cos theta kitna hai? 4/5 of C Newton. And what about y component? Y component F sin theta. Hundred into 3/5. These three are start. ये है ना, ये सही style है. 3 4 ऐसे ही देंगे वो लोग जिससे sin theta cos theta easily मिले. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो. अगर कॉपी कर एक बार रूलर मार दूं ना, एक बार इसको एक बार मार दूं ना. हाँ सर. हाँ देखो, यहाँ पे हमको बोला ये 100 न्यूटन है राइट, बट एंगल नहीं दिया. एंगल के लिए ये लोग ने ऐसा 3 4 बनाया, क्यों? मतलब एवरी वर्टिकल ऑफ 3 हॉरिजॉन्टल ऑफ 4, तो वी वांट टू फाइंड एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट. हमने बोला लेट दिस बी थीटा, तो दिस विल बी थीटा करेस्पोंडिंग एंगल. So this becomes F cos theta and this becomes F sin theta. I draw this triangle side by 3/4. So this will be 5, this angle is theta. So cos theta will be 4/5, sin theta will be 3/5, opposite hypotenuse. Fx x component is F cos theta. F is 100, cos theta is 4/5. So this chaka of C. F is F sin theta, F is 100, sin theta is 3/5. This here start, 60 newton. So Fx is x component is 80 newton. Y component is 60 newton. एक बार और रिपीट कर दूं बच्चों, एक बार और रिपीट कर दूं इसको टू मेक इट मोर क्लियर. हुसैन दागीना, एक बार और रिपीट करूं? ओ दागीना. यस सर. यस सर. ओके एक बार और देखो, ये 100 न्यूटन था
और इनको बोले इसके दो कंपोनेंट निकालो, ये लोग ने एंगल नहीं दिया बल्कि ऐसा थ्री और फोर दिया, ऐसा थ्री और ये फोर, हमको बोले बस इसके कंपोनेंट निकालो, तो हमने बोला दिस एंगल भी थीटा, तो दिस विल ऑल्सो भी थीटा, तो एक्स कंपोनेंट में भी एफ कॉस थीटा टुवर्ड्स एंगल, अवे फ्रॉम एंगल एफ साइन थीटा, तो ये थ्री ये फोर, तो दिस विल बी फाइव, तो कॉस थीटा इज एडजस्टेड अपॉन हाइपोटेनस तो फोर अपॉन फाइव, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस तो थ्री बाय फाइव, एक्स कंपोनेंट इज एफ कॉस थीटा, एफ की वैल्यू हंड्रेड, कॉस थीटा की वैल्यू फोर बाय फाइव, बीस चौका अस्सी, एफ इज एफ साइन थीटा, f is 100, sin theta is 3 by 5, this equals 60. Is this clear? Hussain Dagina, is this clear? Yes, sir. Ek bar aur kar do, Conan Qureshi. Oh, Conan. Nahin, sir, do bar bar, sir. Samajh gaya. Barabar, ekdam samajh mein aaya? Haan, haan, sir, samajh mein aa gaya. Chalo, okay. Bahut achhe bachche. चलो अगला प्रॉब्लम लिखिए, अगला प्रॉब्लम लिखो, द ओरिजिन ऑफ टू वेक्टर्स इज एट द पॉइंट 0 0 0, ओरिजिन ऑफ टू वेक्टर्स इज एट द पॉइंट 0 0 0, इफ देयर टर्मिनल पॉइंट्स, if their terminal points are at 1 2 3 meter and 3 2 1 meter respectively means agar ke saath, what is the angle between the two vectors? ओके मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है, डायग्राम की जरूरत नहीं लेकिन मैं बनाऊंगा डायग्राम तो मेक इट मोर क्लियर, ओरिजिन 0 0 0, एक पॉइंट ए हैविंग व्हाट कोऑर्डिनेट 3 2 1, एक पॉइंट बी हैविंग व्हाट कोऑर्डिनेट 8 1 2 3, बी इज हैविंग कोऑर्डिनेट 3 2 1, and we want to know angle between these two vectors. Terminal point is here. Terminal point is there. And we want to know angle between the two vectors, theta. The diagram bana lo. ओके अभी कॉपी, तो फिर मैं आगे बताऊं, क्या आपने कॉपी मार लिया? हाँ सर। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट द प्रॉब्लम इज, दो वेक्टर थे, दो वेक्टर का बर्थ डे एंड बर्थ टाइम एग्जैक्टली सेम, बर्थडे और बर्थ टाइम कहां से हुआ, ओ से 0 0 0 पे एग्जैक्टली, वहां से दोनों निकले, ओरिजिनेट फ्रॉम देयर, एक पहुंचा दर 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 पहुंचे टर्मिनल पॉइंट, उसका था 1 2 3, लेट से पॉइंट ए पे पहुंच गया, उसका वेक्टर का नाम ए बार, और दूसरा यहीं से बर्थडे पॉइंट सेम था लेकिन भागते 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 कहां पहुंचा, टर्मिनल पॉइंट 3 2 1,
वो लोग बोलते हैं दोनों के बीच में एंगल कितनो, दोनों के बीच में एंगल कितनो, सिचुएशन क्लियर? यस सर। और मुझे अच्छा ओम तो है ही नहीं, गायब है। भर्गेश प्रॉब्लम बता। यस सर। सर दो वेक्टर थे, दोनों का ओरिजिनेटिंग पॉइंट सेम था, सर एक वेक्टर दूसरे पॉइंट पे जाके गया, दूसरा वेक्टर दूसरे पॉइंट पे, तो हमको दोनों का एंगल फाइंड करना। माय गॉड आई लाइक द वे यू हैव आंसर्ड, बहुत अच्छा। तो कैन यू से लिंक द फर्स्ट वेक्टर ए बार वी ओ ए बार, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज ओ ए बार, कौन बताएगा? 1 2 3 यानी क्या लिख दूं फट फट फट? पॉइंट 1 2 3 तो करस्पोंडिंग वेक्टर क्या है? स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन ग्रेट आंसर, वेरी गुड आंसर। एस बी बार क्या लिखूं? ये ए बार है, ये बी बार है, तो बी बार क्या लिखूं? इधर क्या लिखूं? जैसे इधर ओ ए बार था तो यहाँ पे क्या लिखूं बोलो? सर ओ बी बार। वाओ वेरी गुड ग्रेट। इधर क्या लिखूं? ये देखो इधर वन था तो वन आई, यहाँ पे थ्री है तो क्या लिखूं? थ्री आई क्या? अरे वाह वेरी गुड। फिर बाद में ये देखो प्लस टू जे क्या? अरे वाह लवली। और उसके बाद के क्या? प्लस के क्या? वाओ वेरी गुड। And now I want to find angle between this two. How to find angle? Anybody in the class can tell me how to find angle? अगर दो वेक्टर दिए तो एंगल कैसे निकालो? Which formula? Which formula? क्या मैंने ऐसा कुछ प्रॉब्लम किया था? Find the angle between two vectors. फिर एक बार 90 degrees आया था, एक बार 60 degrees आया था. सर आप तो जानते हैं हम लोग गजनी से इंस्पायर्ड हैं, तो आप क्यों बार बार पूछते रहते हैं हमको? सीधा चुपचाप पढ़ाओ ना आप, काय के लिए मस्ती करते हैं? हम लोग ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, देयर यू आर, ए बी कॉस थीटा, ओके, एंड देयरफॉर कॉस थीटा इज ए बी, ये ना ए बी कॉस थीटा, एंड देयरफॉर कॉस थीटा इज ए बी। ऐसा करूं क्या? करूं और कॉस थीटा 1 अपॉन ए बी लिखूं? क्या लिखूं? और cos थीटा a upon b, कुछ तो बताओ सर। a बार डॉट b बार इज इक्वल्स टू a b cos थीटा, दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। b बार डॉट b बार कैसे करूं? अफीफ नहीं बोलेगा, अफीफ नहीं बोलेगा, मुझे ये आंसर देगा हुसैन दागीना। एबा डॉट बी बार जल्दी बोल, टाइम लेस देन 1 मिनट। हुसैन दागीना सही बाय डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी। अरे इसका आंसर बता कैसे निकालो एबा डॉट बी बार? हां सर 1 1 3 हां प्लस प्लस 2 2 प्लस 3 1। My God, now I am feeling कि मैंने पढ़ा दिया बराबर। अभी A कैसे निकालूं? A और B, A मेरे को याद नहीं है। ये इसका magnitude कैसे निकालूं? Sir, under root. Wait, wait, upwards. Sir, मैं बोलूं? बोल। Sir, so under root 1 square plus 2 square plus.